नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के लिए 5 मेन सर्किट्स है, मेचुका, अनिनी, डोंग, जीरो और तवांग। ये सब जगह अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको मेचुका घुमाया, इस वीडियो में मैं आपको अनिनी और दिबांग वैली दिखाऊंगी। हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल, आई एम शताब्दी एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। अनिनी से चाइना बॉर्डर की तरफ जाते हुए ये दिबांग रिवर आता है और यहाँ का व्यूज इतना अमेजिंग है। ऑल्दो मतलब बारिश की वजह से यू नो बहुत क्लाउडी है ये वेदर, बट क्लाउड्स भी फ्लोट कर रहे हैं ना, अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग। हर सीजन का अपना अपना यू नो एक ब्यूटी होता है विच इज मेकिंग अस गो एंड फॉल इन लव विद अरुणाचल ओवर एंड ओवर अगेन। We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. और फिर से बारिश शुरू हो गई है। This is one thing about Arunachal, entire northeast actually unpredictable है ये। तो जिस जगह पे अभी खड़ी हूँ रिवर्स साइड में, हमने यहीं पे रुकने का निश्चय किया, विच डिसाइडेड टू स्टॉप हियर एंड दिस इज व्हाट आई सी। और फिर वक्त था अनिनी के लोकल मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। छोटे से अनिनी का मार्केट भी काफी छोटू सा ही है। चिकन मसाला है? दिस इज लाइट चिली। वो भी कोई फिशी है? फिश हां वो क्या है? फिशी है तो की मच बामला मच दिस बामला मच कुछ चिंगड़ी। अनिनी का ये सफ़र मेरी ट्रैवल मेमोरीज़ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस के लिस्ट में रहेगा। दोस्तों के साथ बिताया हुआ हर वो पल, दिबांग वैली के व्यूज़, हमारा प्यारा सा होम स्टे, खुद से खाना बना के खाना और हमारे प्यारे से होम स्टे ओनर्स। आज हम अनिनी से वापस जा रहे हैं और ये देखो कितनी मस्त वाली धूप निकली है। और जो दो दिन हम यहाँ पे थे, एक तो आने वाला दिन और कल का दिन, आने वाले दिन तो बहुत तेज़ बारिश थी, कल भी बारिश थी और पूरे बादल थे। बादल की वजह से हमें व्यू एज सच दिखा नहीं अनिनी का, बट हाँ उसका भी एक अलग यू नो फीलिंग होता है जब वो फ्लोटिंग क्लाउड्स होते हैं वाइट वाले, वो अलग ही दिखते हैं। वो व्यू भी बहुत स्पेशल था हमारे लिए, वी लव्ड इट। सो ओवरऑल अरुणाचल इज़ अमेजिंग। अनिनी से निकल के मौसम का मज़ा लेते हुए बहुत मस्ती में आ रहे थे हम लोग और रास्ते में हमें मिला लैंडस्लाइड। इतनी बारिश हुई, आज धूप तो निकली है लेकिन पत्थर गिरे हुए रास्ते पे, और पता नहीं यहाँ पे कितनी देर रुकना पड़ेगा, देखते हैं। वो कुछ डैमेज तो नहीं हुआ ना उसमें? Sunglasses in the Atlas, we can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception, see if we can make it on our own. If
If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm. ये हम पहुंच गए हैं मायोदिया। यहाँ पे जो ये माया होटल है, यहीं पे हम लोग बैठ के थोड़ा सा अपना लंच वंच किए। जाने वाले दिन तो भाई कुछ नहीं दिखा था यहाँ पे, इतनी तेज़ बारिश। मायोदिया पास में बेसिकली यही है, ये एक होटल, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज भी बादल तो काफ़ी है, अच्छा है। Standing on Bhupen Hazarika Setu, which is on Lohit River, a major tributary of River Brahmaputra, 9.76 km length hai iska, making it the longest bridge in India. So that's all in this video. I hope ki aapko ye video pasand aaya. Barish thi, zyada shoot nahi kar paye thi, par jitna hua tha usi mein se maine aapke liye ye video banaya. Next video mein main aapko Arunachal Pradesh ke Sangti Valley aur Dirang Monastery dikhaungi. Keep watching the series.